नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल युवराज भाटी में आपका स्वागत है। मेरी सभी भाइयों से विनती है कि हमारे युवराज भाटी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से ज्ञानवर्धक और भक्ति जैसे रामायण से संबंधित, भागवत गीता से संबंधित, से महापुराण से संबंधित आदि जितनी भी भक्ति की कथाएं हैं, कहानियां हैं और रहस्यमयी कथाएं जो शायद ही आप लोगों ने सुनी हो, ऐसी इस वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और कुछ ज्ञान की वीडियो भी इस चैनल में मिलती रहेंगी आपको, ताकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। शायद कुछ लोगों को उस बारे में जानकारी हो लेकिन किसी को नहीं हो, तो किसी का भला होगा, किसी के तक ये ज्ञान की बातें पहुँचेंगी और भक्ति की बातें पहुँचेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोगों के पास ये बातें नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को पास ये बात ना हो जो मैं बताने जा रहा हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास तक हमारी जितनी भी वीडियो हैं, भक्ति की हों, ज्ञान की हों, सब पहुंचती रहें। तो आज हम शुरू करते हैं एक उदाहरण से। एक ईंट का जो टुकड़ा होता है, ये इससे हमें एक बहुत नॉलेज मिलती है। देखिए, आप एक ईंट का टुकड़ा लेकर के आप कुत्ता को फेंक के मारो, बिल्ली को मारो, भैंस को मारो, गाय को मारो, किसी को भी मारोगे तो वो जरूर उस ईंट के टुकड़े से डर के भाग जाएगा। एक बार को तो अगर आप शेर की तरफ भी फेंक दोगे उस टुकड़े को, ईंट को जुताकर से, तो वो भी विचलित हो जाएगा, वो भी पीछे कदम हटा लेगा। अब यहां पर एक सोचने वाली बात है कि ईंट का टुकड़ा आपने जब फेंक के मारा, एक पत्थर, एक कंकड़, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी को, वो ही उड़ जाता है, वो ही भाग जाता है, वो ही पीछे हट जाता है। अपने कदम एक बार को शेर भी पीछे हटा लेगा अगर उसके फेंक के मारोगे तो। लेकिन याद रखने की बात है, यहां पर एक बहुत सोचने समझने की बात है, अगर मधुमक्खी के छत्ते में अगर उस ईंट के कंकड़ को, पत्थर को मार दिया तो मधुमक्खी आपका क्या हाल करेंगी, ये समझ लीजिए। इसमें एक अंतर है। क्यों? यहां पर सोचने वाली बात है, हमने शेर को भी कंकड़ से पीछे हटाने की बात कही है, शेर भी एक बार को पीछे हट जाएगा, लेकिन मधुमक्खी एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी, बल्कि कंकड़ आने से पहले अगर उसको मालूम हो जाए कंकड़ आपकी तरफ से आ रहा, तो पहले ही आपका आक्रमण कर देंगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे है उसका परिवार, उसका संगठित समूह। जिसके भी आप कंकड़ पत्थर मार रहे हो, वो सब अकेले थे और वो सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन मधुमक्खियों का पूरा छत्ता है, उसका पूरा परिवार है, भाई बंधु चाचा ताऊ सब परिवार उसके साथ है, तो वो एक कंकड़ सहन नहीं करेगा किसी का। इसकी जो उदाहरण है इस कंकड़ का, किसी पशु पक्षी माने, ये एक परिवार पर आधारित रहता है। अगर संगठित हैं तो हमको कोई एक कदम भी पीछे नहीं हटा सकता है। अगर हम समूह में हैं, अगर हम पारिवारिक संबंध अच्छे बना के रखे हुए और परिवार के साथ संगठित रहते हैं, तो हमको कोई भी ताकत एक कदम पीछे नहीं हटा सकती है, क्योंकि मधुमक्खी इकट्ठी हैं, समूह में रहती हैं और अपने परिवार के साथ रहती हैं, इसलिए वो कंकड़ मारने पर पीछे नहीं हटती हैं, और बाकी जीव जंतु पशु पक्षी सब अलग अलग रहते हैं, इसलिए वो पीछे हटने पर मजबूर हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप तो सब लोग इतने समझदार हैं कि मेरे बिना कहे सारा कुछ इतना कहने पर ही सब कुछ समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाएं और अपने परिवार में सुख संपत्ति बना करके रखें, संपन्नता बना करके रखें, बिल्कुल एकदम समूह में रहें परिवार के साथ अपने, ताकि संगठित जो है वो उसकी मजबूती अलग ही होती है संगठित लोगों की। तो जय श्री राम, राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।